कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों के बस की बात नहीं है। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। अबे हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाहने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल भाई गजब हो गया, अतुल भाई गजब हो गया। भाई बाहर आकर देखो तो सही। क्या हुआ कल्याण जी भाई? अरे क्या हुआ क्या, नोटिस लग गई, 24 घंटे में बस्ती खाली करनी पड़ेगी। बस्ती किसी की बाप की जागी रखी खाली करनी पड़ेगी? खाली तो करनी पड़ेगी भाई जान, क्योंकि अब इस बस्ती का मालिक चतुर सिंह है। लक्ष्मी दास जी ने बस्ती बेच दी और नोटिस पढ़कर हम लोग आए हैं। अरे बाहर में क्या वो नोटिस और बाहर में क्या चतुर सिंह? मैं भी नोटिस फाड़ के चतुर सिंह की। तो नहीं अतुल, तुम ऐसा नहीं करोगे, इससे हमारा केस बिगड़ जाएगा। उन लोगों ने अगर कानूनी तौर पर बस्ती हटाने की कोशिश की है तो हम भी कानून का सहारा लेंगे। चलो मेरे साथ। कानून हर किसी के लिए बना है, लेकिन अदालत की नजर में जो गैर कानूनी है उसके लिए एक जज की हैसियत से मैं कुछ नहीं कर सकता। ये स्टे ऑर्डर नामुमकिन है। मगर जज साहब, अगर मेरे पिताजी ने चतुर सिंह को जमीन बेची होती तो कम से कम मुझे मालूम तो होता, उसके कागजात होते मेरे पास। जज साहब, जिस तरह आपने 24 घंटे में कानूनी तौर पर हजारों लोगों को बेघर करने का नोटिस जारी कर दिया, उसी तरह उसे रोकने का भी तो कोई कानून होगा। मिस मेगा, सलाह के लिए वकील होते हैं, जज नहीं। जज का काम है सिर्फ फैसला सुनाना। जानती हूँ जज साहब, अच्छी तरह जानती हूँ कि इस बार भी आपने पैसे खाकर बड़े होशियारी से शुक्रवार की शाम को यह फैसला सुना दिया। आज सैटरडे है, कल संडे और परसों नवरात्रि की छुट्टी। लेकिन इतना याद रखना जज साहब, ये जो गरीबों की बद्दुआएं और चीखें हैं ना, ये जाया नहीं जाती, और जब ऊपर वाला अपना फैसला सुनाएगा तुम भी बच नहीं पाओगे। चतुर सिंह, ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। तू भौंकता बहुत है आराम के, और भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे, हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। अरे जितनी मन्नतें मांगनी आए आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी। क्या चतुर सिंह का खून? ओ खुदाया, ओरी बाबा, दादा का खून हो गया? किसने किया खून? अरे छोड़ो ये सब बातें, मुझे तो चिंता ये है कि शहर का क्या होगा, हम सब का क्या होगा। बहस मत करो कमिश्नर, जो आदमी चतुर सिंह जैसे खतरनाक आदमी की चिता जला सकता है वो तो हमको कभी भी शमशान घाट पहुंचा सकता है। मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा सर। सुनो कमिश्नर, कल टीवी सेंटर में जनता की अदालत प्रोग्राम में हम सब लोगों का इंटरव्यू है, ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए वहां पर कि परिंदा भी पर ना मार सके, समझे? कादर, तू इधर है ना? यस सर। पांडो, जरा पीछे रहे। आज जनता की अदालत में जनता के सामने जनता के प्रतिनिधि मंत्री श्री बबन राव देशमुख, विपक्ष के नेता श्री चंद्रसेन आजाद, कानून के रक्षक इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे, न्यायमूर्ति श्री हुकुम अली जाबिर तथा इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर मिस्टर योगराज अपराधी के रूप में यहाँ मौजूद हैं। इन सब पर यह आरोप लगाया गया है कि शहर में जो हाल ही में दंगे फसाद हुए हैं, जो हत्याएं हुई थी वो सब इनकी मिलीभगत थी। क्या ये सच है देशमुख जी? लोग आजकल राजनीति को, कानून को और पुलिस को गांधी जी के तीन बंदर कहते हैं। वो बंदर जिनके सामने सब कुछ होते हुए भी न कुछ सुनते हैं, न देखते हैं और न कुछ कहते हैं। देखिए साहब, हमारे यहां लोकशाही है और लोकशाही में
हर किसी को कुछ भी पूछने का और कहने का पूरा अधिकार होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में चारों ओर इतनी शांति कभी नहीं होती। अगर चारों ओर शांति होती तो पिछले दिनों हमारे शहर में जो दंगे हुए वो क्यों होते? साहब ये सब विदेशी ताकतों का हाथ है, क्या करें। देखिए मंत्री जी, जब भी देश में कोई विपत्ति आती है तो हर मंत्री का आप ही जैसा जवाब होता है कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ है। अब पिछले दिनों जो भूकंप हुआ था, क्या इसमें भी विदेशी ताकत का हाथ था? ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द साइलेंस। पर लोग तो कहते हैं कि इस विपत्ति में आपके साथ विपक्ष के नेता चंद्रसेन जी का भी हाथ था और पांव भी था। जी ये सब बकवास है, इसको हम नहीं मानता है। अरे हमारा पक्ष का सिद्धांत अलग है, इसका पक्ष का सिद्धांत अलग है। हम लोग अलग अलग दल में रह के एक काम कैसा कर सकता है? ये सब गुंडा लोग का काम है, बात करता है। चंद्रसेन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो पुलिस को बिना मतलब बदनाम किया जा रहा है। नहीं ये तो आप कहते हैं, पर लोग तो कहते हैं कि जब दंगे भड़के तब दंगे वाली किसी भी जगह पर पुलिस सही वक्त पर नहीं पहुंची थी। अरे यही तो अपनी पुलिस की असली निशानी है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है। यही तो रोना है कि लोग हमें गलत समझते हैं, हमारी योजनाएं लोगों की समझ में नहीं आती। अब आप ही बताइए, झोपड़ पट्टी की जगह साफ सुथरी कॉलोनी बने, टूटे फूटे गांव की जगह राहगीरों के लिए रिसोर्ट बने, इसमें देश की तरक्की नहीं है? बोलिए। पर लोग तो कहते हैं इसमें आपकी तरक्की ज्यादा होती है, सारा धन आप सब लोग मिलकर बटोर लेते हैं और डकार तक नहीं लेते। नेताजी और पुलिस वाले ने तो अपनी सफाई पेश कर दी, अब जज साहब आप और योगराज जी अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाहेंगे? ऐसे मामलों में लोग अगर कानून के रखवालों पर शक करने लगे तो फिर सफाई में कुछ कहना क्या। देखिए हम ठहरे व्यापारी लोग, हम अपने धंधे में गुंडों का साथ नहीं लेते। गुंडों का साथ आजकल कौन नहीं लेता योगराज जी, अब तो माफिया वाले भी राजनीति में उतर आए हैं और आजकल नेता लोग भी अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही चुने जाते हैं। क्यों देशमुख जी, आप तो नेता बनने से पहले दमन से चांदी की स्मगलिंग क्या करते थे? देखिए देखिए ये मुझ पर झूठा बेकार का इल्जाम लगाया गया है। नहीं नहीं आप स्मगलिंग करते थे या नहीं करते थे बस। वैसे मैं भी इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हर बड़े नेता को बदनाम करने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। क्यों चंद्रसेन जी? एकदम सच बोलता है। आपके हर सवाल का मैं एक ही जवाब दूंगा कि अगर जनता की नजर में हम गुनहगार हैं तो फिर जनता खामोश क्यों है? बोलिए क्यों हमें पिछले 15 साल से इस राज्य में चुनाव जिता रही है? जैसा हम पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, हमारी सफाई में मेरा यही जवाब है। अब फैसला आपके और जनता के हाथ में है, सुनाइए। अरे असली अदालत आज तक हमारे खिलाफ फैसला नहीं सुना सकी तो ये जनता की अदालत क्या खास सुनाएगी? देशमुख तुम कभी कभी सच बोलता। तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? क्या कहना, जो करना था कर दिया, जो किया वो सोच समझ कर किया, अब कहना आपको है। फैसला सुना दीजिए, मुझे मंजूर है। ऑर्डर ऑर्डर। आज न्यायमूर्ति श्री विश्वनाथ सिंह ने अदालत में मंत्री श्री बबन राव देशमुख, विपक्ष के नेता श्री चंद्रसेन आजाद, न्यायमूर्ति श्री हुकम अली जाबिर, इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे, प्रख्यात बिल्डर योगराज और कुख्यात सरगना चतुर सिंह चिता के कातिल प्रताप नारायण तिलक को फांसी की सजा सुनाई। जिंदा आदमी के खून के इल्जाम में फांसी की सजा।
देखा पकिया, हमें तो माता के आशीर्वाद और बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा लिया, मगर वो हराम का कानून की मौत नहीं, चतुर सिंह चिता की दी हुई मौत से मरेगा। पता करो कौन से जेल में है। रताब, तुम्हारी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, वो भी पूरी कर दी जाएगी। यहां ऐसे घुटन सी होती है, मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता, मुझे वहीं फांसी दे दो, क्रांति मैदान में, सबके सामने, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहां ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना सा मरने से क्या फायदा। सर, प्रताप से कोई मिलने आया है, मिलने दो। रोकाय को रही तू? नहीं रे, ये तो खुशी के आंसू है, सोचा था जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी, लेकिन तेरे बारे में अखबार में पढ़ा तो रह नहीं गया मुझसे, और मैं चली आई अपने बेटे के पास। कैसा है रे तू बेटा? आज तूने तिलक खानदान के नाम पर सचमुच यश का तिलक लगा दिया, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे जन्मो जन्म मेरा ही बेटा बना कर। नहीं माँ, अगले जन्म में किसी मंदिर या मस्जिद की ईंट बनकर जिंदगी भर वहां रोता रहूंगा, इस जिंदगी का रोना मेरा बाकी है। दुख सिर्फ इस बात का है मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सका। नहीं बेटा, तूने बहुत कुछ किया, मुझे सब कुछ मिल गया, तेरे दादाजी की आत्मा को भी शांति मिल गई। बस अफसोस एक ही बात का रहेगा कि तिलक खानदान का दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। ये देख, अपनी बहू के लिए रखे थे, लेकिन अब तो मां, ये कलम वाली बाई मेघा लिखती है, एक दिन के लिए हमारे खानदान की बहू बनेगी, सोच ले। Ha ha ha.